राजामंडी दैनिक यात्री संघ की ओर से राजामंडी रेलवे स्टेशन पर इन दिनों माता वैष्णो देवी की गुफा सजाई गई है। प्रतिदिन यह आरती के बाद डांडिया भी खेला जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं प्रतिदिन हिस्सा लेने आ रही हैं। इस भव्य आयोजन का हिस्सा लेने के लिए राज्यसभा सांसद नवीन जैन भी पहुंचे। माता रानी की गुफा के दर्शनों व डांडिया खेलने के लिए आई इस भीड़ को देख वे भी काफी उत्साहित नजर आए और उन्होंने पोला भाई ग्रुप की ओर से निरंतर किए जा रहे इस आयोजन की सराहना की। पोला भाई ग्रुप के द्वारा प्रतिवर्ष ये रायमंडी रेलवे स्टेशन बहुत ही पुराना ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर प्रतिवर्ष नवरात्रि के अवसर पर देवी जागरण और माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ यहाँ आती है और मंदिर का यहाँ चलता है। और पिछले वर्षों से इस वर्ष कुछ भीड़ भक्तों की ज़्यादा मुझे दिखी है। इसका ये मतलब है कि लोगों में धार्मिक भावना आ रही है, लोग धर्म के रास्ते पर भी चल रहे हैं। मैं इस अवसर पर माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भक्तजन यहाँ आए हैं और जो भी मेरे शहर के नागरिक हैं उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, उनके दुख का हरण करें, सबको अपना आशीर्वाद दें। ये माँ दुर्गा का महोत्सव, यहाँ सभी क्षेत्र की जनता सद्भावना के साथ उपस्थित है और माता रानी का ये दरबार हमेशा लगता आ रहा है और जय माता दी। पोला भाई ग्रुप के द्वारा आयोजित किया जाता है, देख लीजिए हजारों की संख्या में, पूरा ऐसा लग रहा है पूरा डांडिया घर ने पूरा आगरा ही उमड़ पड़ा है। मैं पोला भाई ग्रुप को ऐसे ही धन्यवाद देता हूँ। माँ चामुंडा देवी इन पे आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। राजामंडी रेलवे स्टेशन दिल्ली गेट पर आ चुकी है नौकरी के लिए और गुजरात गर्व करने के लिए आगरा शहर में आ चुका है। तो बेहतरीन, सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं, हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इस साल की भांति इस साल भी दैनिक यात्री व्यापारी संघ द्वारा पोला भाई का 25वां आयोजन राजा की मंडी रेलवे स्टेशन पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार आज 5वां दिन है माता रानी का। आज हजारों की भीड़ जहाँ माता रानी के चरणों में, माता दुर्गा के चरणों में आशीर्वाद, डांडिया खेलने के लिए आ रही है बड़ी दूर दूर से। केवल ये आगरा की जनता नहीं है, बड़ी दूर दूर से माता बहनें आ रही हैं। माता बहनों का बड़ा उत्साह का माहौल है। निःशुल्क है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। माँ वैष्णो देवी पावन गुफा लगी हुई है, उस गुफा का दर्शन कर रही है। साथ में विशेषता जो बनाए अमरनाथ बाबा की गुफा, वो गुफा पावन गुफा जो अमरनाथ बाबा के बहुत दूर दूर नहीं जा सकते, उनके लिए बुजुर्गों के लिए बहुत ही सुंदर दरबार बाबा के आशीर्वाद लगाया गया।